सो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में जो आईपीएल 2024 का पहला मैच खेला जाएगा उसके बारे में। और ये वाला मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा जो सीएसके का होम ग्राउंड है। और ये वाला मैच 22 मार्च को शाम 8 बजे खेला जाएगा। और आईपीएल 2024 के पहले ही मैच में आपके पास मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 में आकर 2 करोड़ जीतने का सबसे बड़ा मौका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज के मैच में ना 100% में 99% लोग अपने टीम में विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसी, रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और रचिन रविंद्र को लेकर के चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मैच में इनमें से 5 ऐसा खिलाड़ी है ना जो 100% फ्लॉप रहने वाला है। और आज हम ये भी जानेंगे कि दोनों टीम से कौन वो 11 खिलाड़ी है जो आज के मैच में ड्रीम टीम में आ करके आपको 2 करोड़ का विनिंग कराएगा। और वो कौन 2 खिलाड़ी है जो आज के मैच में ड्रीम टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा और आपके टीम को रैंक 1 में दिला करके करोड़ों में विनिंग कराएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाता हूं। और हम लोगों का मेन फोकस रहेगा मेगा लीग पर और स्मॉल लीग पर, दोनों का लाजवाब प्रिडिक्शन देने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके हम सभी लोग समझते हैं। तो जैसा मैंने बोला, ये वाला मैच कहां पर खेला जाएगा, जो एमए चिदंबरम स्टेडियम है ना वहीं पर खेला जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इस पिच पर एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर किसको सपोर्ट मिलता है, क्या इस पिच पर बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट मिलता है या फास्टर बॉलर को ज्यादा सपोर्ट मिलता है या स्पिनर बॉलर को, तो हर एक चीज आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो पिछले साल यानी 2023 में आईपीएल का मैच खेला गया था इस पिच पर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। और इन्हीं सब मैच को देखने से हमको हर एक चीज पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस पिच पर होता क्या है। तो सबसे पहले ये वाला मैच देखो जो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच में 24 मई 2023 को आईपीएल का मैच खेला गया था। अगर आप इस मैच में देखोगे ना तो मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करके 182 रन बनाता है 8 विकेट के नुकसान पर, और लखनऊ सुपर जेंट्स सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है 101 रन बना करके ऑल आउट हो जाता है, वो भी मात्र 16 ओवर में। यानी यहां से आपको एक चीज पता चल गया होगा कि मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करता है और 182 रन बनाता है, यानी इस पिच पर ना स्कोर काफी आपको बनता हुआ दिखेगा। और अगर आप इस मैच को ध्यान से देखोगे ना तो जो फर्स्ट इनिंग में टोटल 8 विकेट गिरा है ना, उनमें से 8 में से 8 विकेट फास्टर को मिला है, स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला है फर्स्ट इनिंग में। और जो सेकंड इनिंग में टोटल 10 विकेट गिरा है ना, उनमें से 6 विकेट फास्टर और 1 विकेट स्पिनर को मिला और 3 विकेट रन आउट रहा था। अब ये वाला मैच देखो, सीएसके और जीटी के बीच में खेला गया था 23 मई को। सीएसके पहले बैटिंग करता है 172 रन बनाता है 7 विकेट के नुकसान पर, और जीटी सेकंड इनिंग में बैटिंग करके 157 रन बनाता है वो भी 10 विकेट के नुकसान पर। यानी इस मैच में भी पहले जो बैटिंग किया है वो अच्छा खासा स्कोर बनाया, और इस मैच में भी जो पहले बैटिंग किया था वो अच्छा खासा स्कोर बनाया है। और इस मैच में ना जो फर्स्ट इनिंग में टोटल 7 विकेट गिरा है ना, उनमें से 5 विकेट फास्टर को और 2 विकेट स्पिनर को मिला, यानी फास्टर ने इन दोनों मैच में डोमिनेट किया है। और जो सेकंड इनिंग में टोटल 10 विकेट गिरा है ना, उनमें से 5 विकेट फास्टर और 4 विकेट स्पिनर को मिला है और 1 विकेट रन आउट हुआ था। यहां पर ध्यान से देखो ये वाला मैच जो सीएसके और केकेआर के बीच में 14 मई को खेला गया था। सीएसके पहले बैटिंग करता है 144 रन बनाता है 6 विकेट के नुकसान पर, और ये वाला मैच थोड़ा लो स्कोर रहा था क्योंकि उस मैच में ना सीएसके का जो टॉप ऑर्डर था वो जल्दी आउट हो गया था, और केकेआर इस रन को आसानी से चेस कर लेता है मात्र 4 विकेट के नुकसान पर, वो भी 18 ओवर में। अब देखो इस मैच में जो फर्स्ट इनिंग में टोटल 6 विकेट गिरा, उनमें से 2 विकेट फास्टर और 4 विकेट स्पिनर, यानी इस मैच में स्पिनर थोड़ा आगे दिखेगा। और यहां पर जो सेकंड इनिंग में टोटल 4 विकेट गिरा है ना, उनमें से 3 विकेट फास्टर और स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला, और जो 1 विकेट था वो रन आउट हुआ था। यानी अगर आप इन तीनों मैच को ध्यान से देखोगे ना तो आपको स्कोर काफी ज्यादा बनता हुआ दिखेगा। जैसे कि यहां पर मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करता है 182 रन बना दिया,
इस मैच में सीएसके पहले बैटिंग करता है, 172 रन बना दिया, लेकिन यहां पर सिर्फ थोड़ा लो स्कोर रहा था जिसके कारण केकेआर इस मैच को चेस कर लिया। एंड यहां पर हाई स्कोर बना ये वाला मैच डिफेंड हुआ, यहां पर भी हाई स्कोर बना ये वाला भी मैच क्या हुआ डिफेंड हुआ, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लो स्कोर बना जिसके कारण ये वाला क्या हुआ मैच चेस हो गया। इसीलिए यहां पर मैंने बोला कि बैटिंग पिच माना जाता है, बैट्समैन को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है और फास्टर बॉलर थोड़ा आपको आगे दिखेगा इन तीनों मैच में। अगर देखोगे तो इन तीनों मैच को मिला करके फर्स्ट इनिंग में टोटल 21 विकेट गिरा है, जिनमें से 15 विकेट फास्टर और मात्र 6 विकेट स्पिनर को मिला, और सेकंड इनिंग में इन तीनों मैच को मिला करके टोटल 19 विकेट गिरा है, जिनमें से 14 विकेट फास्टर और मात्र 5 विकेट स्पिनर को मिला। यानी स्पिनर आपको थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन यहां का पिच ना स्पिनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो स्पिनर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि आपका रविंद्र जडेजा हो गया, महेश थिक्सना हो गया, ग्लेन मैक्सवेल हो गया, इन सभी को अपने टीम में लेकर के चलना, क्योंकि ये सब क्वालिटी स्पिनर बॉलर है जो विकेट निकाल ही लेगा। तो मुझे पता है आपको पिच रिपोर्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा, एक तरह से देखोगे ना तो दोनों टीम मजबूत है, सीएसके भी मजबूत है और आरसीबी भी मजबूत है। तो यहां पर आपको इस मैच में ना ये वाला पिच बैलेंस बनता हुआ दिखेगा, इस पिच पर बैट्समैन को भी मदद मिलेगा, फास्टर बॉलर को भी मदद मिलेगा और स्पिनर बॉलर को भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर एवरेज स्कोर देखोगे ना तो अगर सीएसके पहले बैटिंग करेगा ना तो 180 से प्लस आपको स्कोर बनता हुआ दिखेगा अगर सीएसके पहले बैटिंग करेगा तो, क्योंकि सीएसके का होम ग्राउंड है तो हर एक बैट्समैन को पता होगा कि इस पिच पर कैसे खेलना है। लेकिन अगर आरसीबी पहले बैटिंग किया ना तो यही 160-170 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन सीएसके अगर पहले बैटिंग किया तो थोड़ा सा ज्यादा आपको स्कोर बनता हुआ दिखेगा। तो यही होता है इस पिच का रिकॉर्ड, जो आपको आसानी से पता चल गया होगा। अब यहां पर सिंपली बात करते हैं टेलीग्राम के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। सबसे पहले करना क्या है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पर इस आईपीएल में हर एक मैच का 100% फ्री में स्मॉल लीग का टीम और ग्रैंड लीग का टीम मिलेगा। इस आईपीएल में हर एक मैच का 100% फ्री में, चाहे वो स्मॉल लीग का टीम हो या ग्रैंड लीग का टीम हो, इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, वो भी 100% फ्री में। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर बाय चांस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के लिंक से ओपन ना हो तो आपको कैसे ज्वाइन करना है अभी आपको पता चल जाएगा। ओरिजिनल और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए आपको सिंपली अपने टेलीग्राम में किसी भी फ्रेंड को या किसी भी मेंबर को ये वाला मैसेज आपको सेंड कर देना है, @ लगा करके जो चैनल का नाम है वही आपको लिखना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है, वहां पर @ लिखना है, उसके बाद चैनल का नाम लिखना है, जैसे कि AKJON, उसी में सटा करके FANTASY, जैसे ही इतना लिख करके सेंड करोगे ना वो मैसेज क्लिकेबल बन जाएगा, और जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन होगा। नीचे में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे नाम से कभी भी किसी को भी टीम के लिए पैसा मत देना। आगे हम सिंपली बात करते हैं यहां पर जो इन दोनों टीम के बीच में टोटल 3 रिसेंट में जो हेड टू हेड मैच खेला गया है उसके बारे में। अब इन तीनों टीम को देखोगे ना तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि दोनों टीम में कौन कौन ऐसा प्लेयर है जो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। और यहां पर मैं आपको जो टीम दिखाने वाला हूं ना, यानी ये जो तीनों टीम है ना वो मेगा लीग में रैंक 1 में आ करके 2 करोड़ का विनिंग किया है। तो यहां से आपको आइडिया होगा कि इस मैच में आपको किन किन प्लेयर को लेकर के मेगा लीग का टीम बनाना है विथ कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो सबसे पहले यही वाला टीम देखो, अगर इस टीम में देखोगे ना तो इसमें आपको कैप्टन दिखेगा ग्लेन मैक्सवेल और वाइस कैप्टन दिखेगा डिवॉन कॉनवे। और अगर इस मैच को देखोगे ना तो इसमें कैप्टन दिखेगा आपको मोइन अली और वाइस कैप्टन दिखेगा महेश थिक्सना। और अगर आप इस टीम को देखोगे ना तो इस टीम में आपको कैप्टन दिखेगा शिवम दुबे और वाइस कैप्टन दिखेगा महेश थिक्सना। अगर आप इन तीनों टीम को एक बार ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज पता चलेगा कि जो दिनेश कार्तिक है ना आरसीबी की तरफ से, वो तीनों टीम में आपको दिखेगा, तीनों टीम में ड्रीम टीम में आया है। जैसे कि यहां पर भी आपको दिनेश कार्तिक दिखेगा, यहां पर भी आपको दिखेगा, यहां पर भी दिखेगा। तो दिनेश कार्तिक इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना। उसके बाद देखो महेश थिक्सना सीएसके की तरफ से, यहां पर देखो ड्रीम टीम में आया है, टोटल 3 विकेट निकाल करके वो भी वाइस कैप्टन बना है। और यहां पर भी आपको महेश थिक्सना दिखेगा, टोटल 4 विकेट निकाल करके यहां पर भी वाइस कैप्टन बना है। और इस मैच में तो बॉलिंग ही नहीं कराया था, लेकिन इन दोनों मैच में खेला है। और सबसे बड़ा खास बात क्या है
कि इन दोनों मैच में ना ड्रीम टीम में आया है, और उससे भी बड़ा खास बात यह है कि ड्रीम टीम में तो आया है लेकिन दोनों में वाइस कैप्टन बना है। आरसीबी के सामने हमेशा परफॉर्म करता है महेश थिक्सना। उसके बाद देखो ग्लेन मैक्सवेल, यहां पर देखो टोटल ग्लेन मैक्सवेल ड्रीम टीम में आकर के कैप्टन बना है, इसमें भी दिखेगा, यहां पर भी ग्लेन मैक्सवेल दिखेगा और यहां पर भी आपको ग्लेन मैक्सवेल दिखेगा, यानी इन तीनों टीम में आपको ग्लेन मैक्सवेल दिखेगा, आसानी से देख सकते हो। तो मैक्सवेल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। उसके बाद देखना यहां से फाफ डुप्लेसी, यहां पर भी फाफ डुप्लेसी दिखेगा, यहां पर भी फाफ डुप्लेसी दिखेगा, इन दोनों टीम में, दोनों में ड्रीम टीम में आया है, इस मैच में खेला नहीं था, इंपॉर्टेंट प्लेयर पर फोकस करना। उसके बाद शिवम दुबे देखो, यहां पर भी ड्रीम टीम में आया है और यहां पर तो कैप्टन बन चुका है, ईजी से देख सकते हो, इसमें तो इसका बैटिंग ही नहीं आया था। अब देखो यहां पर मोइनेली, यहां पर भी दिखेगा इस मैच में भी, और यहां पर भी आपको मोइनेली दिखेगा, कैप्टन बना है, खास बात यह है कि कैप्टन बना है। उसके बाद आपको दिखेगा एक ट्रंप कार्ड जो इस मैच में बन सकता है, सुयस प्रभुदेसाई, यहां पर भी दिखेगा, इजी से देख लो, और यहां पर भी दिखेगा, और डिवॉन कॉनवे भी परफॉर्म करता है, यहां पर वाइस कैप्टन बना है और यहां पर ड्रीम टीम में भी आया है, लेकिन अफसोस का बात यही है कि डिवॉन कॉनवे पहले एक मंथ के लिए बाहर हो चुका है आईपीएल से, समझ में चुका है। तो इन तीनों टीम को ध्यान से देखो, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको इस मैच में मेगा जीएल का टीम बनाना है, दोनों टीम से कौन कौन ऐसा प्लेयर है जो हमेशा एक दूसरे के सामने परफॉर्म करता है, यहीं से आपको पता चलेगा। आगे सिंपली बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में जो इस मैच में आपको देखने को मिल सकता है। तो सिंपली ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र आपको ओपनिंग करता हुआ दिखेगा, क्योंकि डिवॉन कॉनवे एक मंथ के लिए बाहर हो चुका है, डायरेक्ट वो आपको मई के मैच में दिखेगा। उसके बाद सिंपली अजंक्य रहाणे आपको वन डाउन पर दिखेगा, ड्रेल मिचेल, उसके बाद शिवम दुबे। अब अभी बताया ये जा रहा है कि शिवम दुबे पहला मैच मिस कर सकता है, तो अगर शिवम दुबे बाय चांस नहीं खेलेगा ना, तो इसके जगह पर सिंपली आपको मोइन अली खेलता हुआ दिखेगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रविंद्र जडेजा दिखेगा यहां से, माही भाई, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, महेश थिक्सना और मथीसा पथिराना, और हो सकता है 100% में 90% चांस है कि फर्स्ट मैच में मथीसा पथिराना आपको खेलता हुआ ना दिखे, बाकी बात 10% का मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 90% चांस यही है कि मथीसा पथिराना आपको पहला मैच ना खेलता हुआ दिखे। अगर ये नहीं खेलेगा तो सिंपली इसके जगह पर तुषार देश पांडे या मुकेश चौधरी, इन दोनों में से कोई एक आपको खेलता हुआ दिखेगा मथीसा पथिराना के जगह पर। तो जो भी होगा आपको टॉस के बाद टेलीग्राम में पता चल ही जाएगा। अब यहां पर देखो सिंपली इसका मेन बॉलर कौन है, तो ये इसका चारों मेन बॉलर है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, महेश थिक्सना और मथीसा पथिराना, इसके जगह पर जो भी खेलेगा वो भी मेन बॉलर ही रहेगा। रविंद्र जडेजा भी इसका मेन बॉलर है, अगर शिवम दुबे खेलेगा तो ये भी बॉलिंग करेगा, अगर इसके जगह पर मोइन अली खेलेगा तो वो भी बॉलिंग करेगा, और सिंपली यहां पर रचिन रविंद्रा भी आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, क्योंकि आरसीबी में ना बहुत ज्यादा राइटी बैट्समैन है, तो कम से कम 2 से 3 ओवर आसानी से आपको करता हुआ दिखेगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा। बाकी बात शुरुआती ओवर में यही तीनों करेगा, जैसे कि दीपक चहर हो गया, शार्दुल ठाकुर हो गया, महेश थिक्सना हो गया, डेथ में अगर मथीसा पथिराना खेलेगा तो ये करेगा, अगर ये नहीं खेलेगा तो इसके जगह पर जो भी खेलेगा वो आपको डेथ में करता हुआ दिखेगा, और हाईली चांस है आपको शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर भी डेथ में करता हुआ दिखेगा। अब यहां से किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, हर एक सेक्शन को हम डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का देख लो आसानी से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो इस मैच में हो सकता है। तो सिंपली आपको भी पता होगा फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली आपको ओपनिंग करता हुआ दिखेगा, नंबर 3 पर रजत पाटीदार दिखेगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पहला मैच ये भी मिस कर सकता है, लेकिन अगर ये नहीं खेलेगा तो इसके जगह पर सिंपली प्रभु देसाई आपको खेलता हुआ दिखेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है तब तक ये फिट हो जाए। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल दिखेगा, कैमरन ग्रीन दिखेगा, दिनेश कार्तिक दिखेगा, महिपाल लोमरोर, मयंक दागर, अलजरी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और यश दयाल दिखेगा। तो ये हो सकता है आरसीबी का पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मैच में, इसमें जो भी चेंजिंग होगा टॉस के बाद आपको टेलीग्राम में पता चल ही जाएगा। अब देखो इसका मेन बॉलर कौन है, तो ये इसका चारों मेन बॉलर है, मयंक दागर, अलजरी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और यश दयाल, पांचवा मेन बॉलर इसका कैमरन ग्रीन है और छठा इसका ग्लेन मैक्सवेल है, यानी इसके पास टोटल अभी 6 इसका मेन बॉलर है, इजी से देख सकते हो, ये इसका 6 मेन बॉलर। शुरुआती ओवर में सिंपली आपको मोहम्मद सिराज करता हुआ दिखेगा, यहां से मयंक दागर भी कर सकता है, यश दयाल भी कर सकता है, इसके जगह पर जो भी खेलेगा वो भी कर सकता है, समझ में आ चुका है। बाकी बात डेथ में सिंपली आपको अलजरी जोसेफ आपको करता हुआ दिखेगा डेथ में, और इसके साथ साथ कैमरन ग्रीन भी करता हुआ दिखेगा, या फिर मोहम्मद सिराज भी डेथ में कर सकता है, ये भी फोकस करना। तो ये इसका प्लेइंग 11 हो सकता है इस मैच में। अब आगे सिंपली हम हर एक सेक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन में, तो विकेट कीपर
ऊपर वाले सेक्शन में कब किसको लेना है अभी आपको पता चलेगा। तो सीएसके की तरफ से आपको एमएस धोनी दिखेगा माही भाई, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से आपको दिनेश कार्तिक दिखेगा। तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में ना दिनेश कार्तिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि माही भाई का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है और अधिकतर बार ऐसा होता है कि माही भाई का बैटिंग ही नहीं आता है, तो उस कंडीशन में इसको ड्रॉप कर सकते हो। यानी कि दिनेश कार्तिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 या नंबर 6 पर बैटिंग भी कर लेगा और आसानी से इसका बैटिंग आ ही जाता है। और हम लोगों ने पीछे देखा तीनों मैच में ड्रीम टीम में आया है दिनेश कार्तिक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बैटिंग आता है ना तो आपको 20 से 30 रन आसानी से बना करके दे ही देगा। जैसे कि आईपीएल का रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, 30 रन, 11 रन, 16 रन, 22 रन, 16 रन, 7 रन, यानी 20 से 30 रन आसानी से इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो विकेट कीपिंग वाले ऑप्शन में आपके पास दिनेश कार्तिक सबसे बेहतरीन ऑप्शन बनेगा। लेकिन अगर आपका मन है एमएस धोनी को लेने का, माही भाई को लेने का मन है, तो सिंपली इस कंडीशन में ना जो सीएसके का जो टॉप ऑर्डर है ना उसको ड्रॉप करके चलना। अगर टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करोगे ना तभी माही भाई का बैटिंग आएगा और तभी आपको परफॉर्म करके दे पाएगा। तो मेगा लीग में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा माही भाई, लेकिन किस कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको सीएसके का जो टॉप ऑर्डर है उसको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। समझ में आ चुका है। आगे सिंपली बात करते हैं बैटिंग वाले सेक्शन में। तो बैटिंग वाले सेक्शन में आपको सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, ड्रेल मिचेल, और इधर से आपको सिंपली अजंक्य रहाणे दिखेगा, और आरसीबी की तरफ से आपको सिंपली यहां से रजत पाटीदार और महिपाल लोमरो दिखेगा, और सिंपली यहां से फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली दिखेगा। अब यहां से किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, अभी आप ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। तो इसका रिसेंट फॉर्म देखो, 26, 60, 79, 17, 24, 30, यानी एक तरह से काफी सही दिखेगा, लेकिन इन दो मैच में थोड़ा सा लंबा पारी खेला है। और आरसीबी के सामने 36 का एवरेज है और इस वेन्यू पर 33 का एवरेज है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर ये सेकंड में बैटिंग करता है ना तो उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता है, लेकिन अगर ये फर्स्ट में बैटिंग करता है ना तो अच्छा खासा स्कोर आपको करता हुआ दिखता है। जैसे कि ये वाला देखो, यहां पर जो 60 रन बनाया है और यहां पर 79 रन बनाया है, ये फर्स्ट बैटिंग में ही बनाया है। तो ऋतुराज गायकवाड़ को अगर लेना है ना तो फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आपको दोनों इनिंग में लेना है तो आसानी से ले सकते हो, अगर आपको सेफ खेलना है तो दोनों इनिंग में ट्राई करना, लेकिन मेगा लीग खेलते हो तो इसको फर्स्ट बैटिंग में ही ट्राई करना। उसके बाद ड्रेल मिचेल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। रिसेंट में आईपीएल का मैच नहीं खेला है, लेकिन टी20 का रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, 72, 8, 17, 61, 57, 1, 18, यानी तीन मैच में आपको अच्छा खासा परफॉर्म दिखेगा, तो इसको ट्राई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाफ डुप्लेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा सीएसके के सामने परफॉर्म करता है, 36 का एवरेज है और वेन्यू पर भी लगभग 37 का एवरेज है, और रिसेंट फॉर्म तो गजब दिखेगा। आईपीएल का रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, 28, उसके बाद 71, 55, 63, 45, हमेशा तगड़ा परफॉर्म करता है, और सीएसके के सामने हमेशा परफॉर्म किया है। पिछले तीन मैच में हम लोगों ने देखा था, दो मैच में ड्रीम टीम में आया है, तो इसको ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली के साथ एक ही प्रॉब्लम है, सीएसके के सामने उतना कंसिस्टेंट नहीं परफॉर्म कर पाता है। जो मैंने पीछे आपको तीन टीम दिखाया है ना, उनमें से केवल एक टीम में आपको ड्रीम टीम में दिखेगा अगर ध्यान से देखोगे तो, बाकी बात दो टीम में आपको नहीं दिखेगा। तो एक ही प्रॉब्लम है कि ये सीएसके के सामने उतना कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाता है। 37 का एवरेज है सीएसके के सामने और इस वेन्यू पर 31 का एवरेज है। लेकिन सबसे बड़ा खास बात क्या है कि आईपीएल में जो रिसेंट का दो मैच खेला था ना, उन दोनों मैच में शतक बनाया है, एक में 101 रन और एक में आपको 100 रन दिखेगा। तो इसको ट्राई करना इस चीज को देख करके, और लगभग लोग आज के मैच में इसको ट्राई करेगा और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएगा। तो स्मॉल लीग में आपको ले करके चलना है, मेगा लीग में रिस्क लेना है ना तो ड्रॉप करके चल सकती हो। बाकी बात सिंपली आगे बात करते हैं सीएसके की तरफ से अजंक्य रहाणे के बारे में। तो अजंक्य रहाणे इस मैच में ना ट्रंप कार्ड आपके लिए बन सकता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये नंबर 3 पर बैटिंग करेगा और इसमें काबिलियत है, तो इसको ट्राई करके चलना। और सबसे बड़ा खास बात क्या है कि आरसीबी के सामने खेलना थोड़ा सा पसंद करता है, 36 का एवरेज है आसानी से देख सकते हो, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अजंक्य रहाणे, खास करके मेगा जीएल में, स्मॉल लीग में मत लेना। उसके बाद रजत पाटीदार अगर खेलता है तो सबसे बेहतरीन ट्रंप कार्ड बनेगा, इसको ट्राई करना, क्योंकि देखो रिसेंट फॉर्म 58, 112, 26, 48, 21, 52 काफी बेहतरीन परफॉर्म है रिसेंट में इसका। लेकिन सीएसके के सामने एक मैच खेला है, मात्र 21 रन बनाया है, वेन्यू पर दो मैच में 9 रन बनाया है, मात्र 4.5 का एवरेज है। तो अगर इसको लेना है ना तो जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, मेगा लीग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अजंक्य रहाणे और यहां से आपका रजत पाटीदार। उसके बाद आपको दिखेगा महिपाल लोमरोर, जो फिनिशर का रोल करेगा इस मैच में, लास्ट में बैटिंग करेगा आरसीबी की तरफ से। अगर इसको लेना चाहते हो ना तो इसको भी जीएल में ट्राई करना, लेकिन कंडीशन है, अगर इसको लेना चाहते हो अपने टीम में तो जो आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है ना उसको ड्रॉप करके चलना। जैसे कि माही भाई को लेना चाहते हो सीएसके की तरफ से, तो जैसा मैंने बोला सीएसके का टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चलना, तभी उसका बैटिंग आएगा और तभी परफॉर्म करके दे पाएगा। सेम कंडीशन आपका महिपाल लोमरोर के साथ है, अगर इसको लेना चाहते हो तो आरसीबी का टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी ना इसका बैटिंग आएगा और तभी ना आपको परफॉर्म
करके देगा। मान लो टॉप ऑर्डर को आप ड्रॉप नहीं करोगे तो इसका बैटिंग ही नहीं आएगा, उस कंडीशन में इसका बैटिंग 18वें या 19वें ओवर में आएगा, तो एक ओवर में क्या ही कर लेगा, 5-6 रन बना करके कुछ नहीं होगा ना। इसीलिए अगर लेना है तो जीएल में ट्राई करना उस कंडीशन में आरसीबी का टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करना। अगर टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करोगे ना तो हो सकता है 5 या 6 ओवर तक आरसीबी का टॉप ऑर्डर आउट हो जाएगा, उस कंडीशन में इसका बैटिंग आएगा और आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकता है। आगे सिंपली बात करते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन में, तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपको सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र और शिवम दुबे दिखेगा, और आरसीबी की तरफ से आपको ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन दिखेगा। अब यहां से किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, ध्यान से देखना। रविंद्र जडेजा चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो हमेशा कंट्रीब्यूट करता है, इसको ट्राई करके चलना। रिसेंट फॉर्म देखो, 15 रन 1 विकेट 22 रन 2 विकेट 20 रन 1 विकेट 20 रन 0 विकेट, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो दोनों से आपको लाजवाब परफॉर्म करके देगा, और 30 मैच में 291 रन बना चुका है आरसीबी के सामने, प्लस में 36 विकेट भी निकाल चुका है, और इसका होम ग्राउंड रहेगा और स्पिनर बॉलर है, काफी तगड़ा इंपैक्ट वाला पारी खेल करके आपको दे सकता है। वेन्यू पर 42 मैच में 381 रन और यहां पर 30 विकेट भी निकाला है, तो सी एंड बीसी का सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा इस मैच में रविंद्र जडेजा। बाकी बात रचिन रविंद्र, आप इसको ट्राई करके चलना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो बैटिंग करेगा ओपनिंग भी करेगा और सामने राइटी बैट्समैन है, तो कम से कम 2 से 3 ओवर आपको बॉलिंग भी करके आपको दे सकता है, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बात शिवम दुबे के बारे में बात करें, अगर ये खेलता है ना तो फर्स्ट बैटिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका बैटिंग तभी आएगा जब ऊपर से जो ऋतुराज गायकवाड़ है, रचिन रविंद्र जल्दी आउट होगा तभी इसका बैटिंग आने वाला है, लेकिन हाँ बॉलिंग तो उतना ज्यादा करेगा नहीं, तो उस कंडीशन में इसको जीएल में ट्राई करके चलना, एक बेहतरीन ट्रंप कार्ड बनेगा, और मेगा लीग में सी एंड बीसी भी बना सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आरसीबी के सामने देखो 3 ही मैच में 193 रन है, 64 का एवरेज है आरसीबी के सामने, इसीलिए मैंने बोला इसको जीएल में ट्राई करना। और पीछे हम लोगों ने देखा था 3 मैच में 2 मैच में ड्रीम टीम में आया था और 1 मैच में तो कैप्टन भी बना था, इसीलिए मैंने बोला मेगा लीग में लेना भी है और इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाना है, एक इंपैक्ट वाला प्लेयर है। उसके बाद देखो आपका ग्लेन मैक्सवेल, इसको ट्राई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट फॉर्म भी काफी सही दिखेगा, अभी जो टी20 मैच खेला था उसमें काफी तगड़ा परफॉर्म किया था और वर्ल्ड कप में भी काफी सही खेला था, और स्पिनर बॉलर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 मैच में 364 रन बनाया है सीएसके के सामने और 3 मैच में 176 रन बना चुका है इस वेन्यू पर, तो इंपॉर्टेंट तो आपके लिए बनेगा, ट्राई करके चलना। बाकी बात कैमरन ग्रीन को तभी ट्राई करना जब ये बॉलिंग करेगा, मेरा मतलब है अगर ये आरसीबी के तरफ से 6th बॉलिंग ऑप्शन बनेगा ना तभी इसको ट्राई करना, बैटिंग से उतना भरोसा मत करना क्योंकि जिस प्रकार से पिच है ना इसको खेलना थोड़ा मुश्किल होगा, सामने रहेगा महेश थिक्सना, रविंद्र जडेजा, तो इसको दिक्कत हो सकता है, तो इसको सिंपली अगर ये 6th बॉलिंग ऑप्शन रहेगा ना कम से कम इस मैच में 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेगा तभी ट्राई करना, अगर बैटिंग से फ्लॉप हो भी जाता है तो आपको बॉलिंग से परफॉर्म करके दे सकता है। और वैसे भी रिसेंट फॉर्म आपको ठीक ठाक दिखेगा, 30 रन 41 रन 150 रन, पहले ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलता था लेकिन अब ये आ चुका है आरसीबी में फिनिशर का रोल प्ले करने के लिए इस मैच में, हो सकता है। तो समझ में आ चुका है ऑलराउंडर वाले सेक्शन। बाकी बात सिंपली हम बात करते हैं बॉलिंग वाले सेक्शन में, तो सीएसके की तरफ से आपको शार्दुल ठाकुर दिखेगा और यहां से दीपक चहर दिखेगा, और सिंपली इधर से आपको यहां पर आपको महेश थिक्सना और मथीसा पथिराना दिखेगा। आरसीबी की तरफ से आपको मोहम्मद सिराज, यश दयाल और यहां पर सिंपली आपको दिखेगा मयंक दागर और यहां से अलजरी जोसेफ। तो बॉलिंग वाले सेक्शन में कौन इंपॉर्टेंट है, किसको लेना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले शार्दुल ठाकुर दिखेगा, शार्दुल ठाकुर एक ऐसा बॉलर है ना जब ये चलता है ना तो बंडल में विकेट निकालता है, तो शार्दुल ठाकुर आपके लिए फर्स्ट बॉलिंग में ही इंपॉर्टेंट बनेगा। रिसेंट फॉर्म देखो, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और आरसीबी के सामने 10 मैच में 12 विकेट, वेन्यू पर 4 मैच में 4 विकेट, तो अगर सीएसके पहले बॉलिंग किया ना तो इसको ट्राई करके चलना, इंपॉर्टेंट है। बाकी बात दीपक चहर को दोनों इनिंग में ट्राई करना, इस वेन्यू पर काफी तगड़ा परफॉर्म किया है, 14 मैच में 19 विकेट है इस वेन्यू पर, काफी सही है, लेकिन आरसीबी के सामने 8 मैच में 6 विकेट है और रिसेंट फॉर्म तो काफी सही दिखेगा आपको, 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ट्राई करके चलना। बाकी बात मयंक दागर आपके लिए सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट बनेगा, अगर आरसीबी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तो इसको ट्राई करके चलना, स्पिनर बॉलर है क्योंकि। उसके साथ साथ आपका अलजरी जोसेफ दिखेगा, डेथ में बॉलिंग करेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसको दोनों इनिंग में ट्राई करके चलना, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो सेकंड बॉलिंग हो दोनों में इंपॉर्टेंट बनेगा, और सीएसके के सामने 3 मैच में 5 विकेट निकाल चुका है। आगे सिंपली बात करते हैं महेश थिक्सना के बारे में, तो इसको भी दोनों इनिंग में ट्राई करना क्योंकि पीछे हम लोगों ने क्या देखा, 3 मैच में 2 मैच में खेला था और दोनों मैच में ड्रीम टीम में आया था, और खास बात यह है कि दोनों में वाइस कैप्टन बना था, एक में 3 विकेट निकाल करके एक में 4 विकेट निकाल करके, तो महेश थिक्सना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 0 विकेट, और आरसीबी के सामने देखो 3 ही मैच में 8 विकेट निकाल चुका है,
समझ में आ चुका है। और वेन्यू पर 7 मैच में 3 विकेट है, तो इंपॉर्टेंट है दोनों इनिंग में ट्राई करना। मेगा लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। अगर बाई चांस मथीसा पथिराना खेलता है तो ये आपके लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट बनेगा। डेथ में बॉलिंग करेगा, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, 1 मैच में 2 विकेट आरसीबी के सामने। वेन्यू पर तो गजब है, 6 मैच में 10 विकेट। लेकिन अगर ये नहीं खेलेगा तो इसके जगह पर कौन खेलेगा आगे आपको पता चलेगा और उसका रिकॉर्ड भी पता चलेगा। बाकी बात मोहम्मद सिराज वैसा ही है जैसा मैंने बोला ना, शार्दुल ठाकुर बंडल में विकेट निकालता है, अगर मिल गया तो बंडल में, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। रिसेंट फॉर्म देखो, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। और सीएसके के सामने उतना कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाता है, 9 मैच खेला है जिसमें से मात्र 2 विकेट निकाला है। वेन्यू पर 7 मैच में 7 विकेट, तो ये भी आपके लिए फर्स्ट बॉलिंग में ही इंपॉर्टेंट बनेगा। यानी ध्यान से समझ लो, अगर सीएसके पहले बॉलिंग किया तो शार्दुल ठाकुर को लेना, और अगर आरसीबी पहले बॉलिंग किया तो मोहम्मद सिराज को लेकर के चलना। बाकी बात यश दयाल आपके लिए मेगा लीग में एक बेहतरीन ट्रंप कार्ड बन सकता है, क्योंकि ये फास्टर बॉलर है और खास करके इसको फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं। समझ में चुका है हर एक सेक्शन में कब किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, हर एक चीज आपको पता चल गया होगा। बाकी बात इस मैच का जो इंपैक्ट प्लेयर है या फिर बेंच प्लेयर है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इसका बेंच प्लेयर देख लो या फिर इंपैक्ट प्लेयर भी बोल सकते हो, क्योंकि आईपीएल में इंपैक्ट का रोल इस बार भी रहेगा। देखो यहां पर सिंपली सीएसके की तरफ से मोइन अली आपको दिखेगा, शिवम दुबे के जगह पर खेल सकता है, इसका खेलने का चांस रहेगा। अगर ये खेलेगा तो इसको बिना देखे अपने टीम में ट्राई कर लेना, हमेशा आरसीबी के सामने परफॉर्म करता है। दोनों मैच में हम लोगों ने देखा, दोनों में ड्रीम टीम में आया था और एक में तो कैप्टन भी बना था, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात जैसा मैंने बोला ना, मथीसा पथिराना के जगह पर आपको तुषार देशपांडे या मुकेश चौधरी, इन दोनों में से कोई एक आपको खेलता हुआ दिखेगा और हाईली चांस रहेगा आपका तुषार देशपांडे का। और ये आरसीबी के सामने भी बेहतरीन परफॉर्म करता है, 1 मैच में 3 विकेट है, वेन्यू पर 8 मैच में 10 विकेट, काफी सही है। यानी इधर से ना मोइन अली और तुषार देशपांडे, इन दोनों का खेलने का चांस रहेगा इस मैच में। अगर दोनों खेलेगा तो दोनों को ट्राई करना। बाकी बात आरसीबी की तरफ से करण शर्मा स्पिनर बॉलर है, सेकंड बॉलिंग में ट्राई करना और ये इंपैक्ट में यूज हो सकता है इस मैच में। बाकी बात भांडजे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, यहां से आपका प्रभु देसाई मैंने पीछे क्या बताया था, 3 मैच में 2 मैच में ड्रीम टीम में आया था, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ट्रंप कार्ड बनेगा इस मैच में और इसका खेलने का चांस हो सकता है। अगर प्लेइंग 11 में नहीं आएगा ना तो इंपैक्ट वाले सेक्शन में आ सकता है। तो ये कुछ इसका बेंच प्लेयर है इस मैच में या फिर इसका इंपैक्ट प्लेयर भी बोल सकते हैं। अब यहां पर सिंपली हम बात करते हैं फिक्स प्लेयर और ट्रंप प्लेयर के बारे में, जो इस मैच में आपको रियली में मेगा लीग में रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 दिला करके करोड़ों में विनिंग कराएगा, लेकिन इसमें कुछ आपको कंडीशन दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स प्लेयर के बारे में, तो फिक्स प्लेयर कौन रहेगा जिसको आपको अपने टीम में एकदम फिक्स लेकर के चलना है, लेकिन इसमें कंडीशन है। सबसे पहला प्लेयर आपको दिखेगा ऋतुराज गायकवाड़। तो जैसा मैंने बोला, ऋतुराज गायकवाड़ को तभी फिक्स लेना जब सीएसके पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि ये तभी अच्छा परफॉर्म कर पाता है जब ये पहले बैटिंग करता है। बाकी बात रचिन रविंद्रा को फिक्स लेकर के चलना, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। प्लस पॉइंट क्या है, सामने राइटी बैट्समैन है और ये ओपनिंग भी करेगा, कम से कम 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी करेगा और कुछ अलग करने के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। रविंद्र जडेजा फिक्स लेकर के चलना, फाफ प्लेसी को भी फिक्स लेकर के चलना। विराट कोहली आपको दिखेगा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है विराट कोहली के सामने कि सीएसके के सामने उतना सही परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन इस बार हो सकता है ये तगड़ा परफॉर्म करके दे दे, क्योंकि इस बार ना ये जो ट्रॉफी है ना वो मुझे लग रहा है पर्सनली कि आरसीबी विन करेगा। एक तो ट्रॉफी जाना चाहिए, अगर सीएसके फैन को बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। बाकी बात विराट कोहली को आप फिक्स लेकर के ट्राई करना, स्मॉल लीग में मेगा लीग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रिसेंट में दोनों मैच में शतक बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल को फिक्स लेकर के चलना है, कैमरन ग्रीन को तभी फिक्स लेना जैसा मैंने बोला ना, अगर ये 6th बॉलिंग ऑप्शन रहेगा तभी, क्योंकि बैटिंग से उतना भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। बाकी बात अगर बात करें ट्रंप प्लेयर के बारे में जो आपको एक्चुअल में रियली में मेगा जीएल विनिंग करवा के दे सकता है, तो एक आपका शिवम दुबे है, दोनों में ड्रीम टीम में आया है, एक में कैप्टन बना है, तो इसको ट्राई करके चलना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात महेश थिक्साना भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन कम रहेगा लेकिन मेगा लीग में आपको ब्लंडर परफॉर्म करके आपको दे सकता है, तगड़ा परफॉर्म करके आपको देगा, तो इसको ट्राई करना। और हम लोगों ने क्या देखा था, पीछे दोनों मैच में वाइस कैप्टन बना है, एक में 3 विकेट निकाल करके, एक में 4 विकेट निकाल करके। उसके बाद शार्दुल ठाकुर फर्स्ट बॉलिंग, सीएसके फर्स्ट बॉलिंग किया तो ट्रंप कार्ड बन जाएगा। अजिंक्य रहाणे मैंने बोला था बैटिंग वाले सेक्शन में ही नंबर 3 पर बैटिंग करेगा, इंपॉर्टेंट है। महिपाल लोमरूर इसको तभी ट्राई करना मेगा लीग में, इस कंडीशन में आपको आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है उसको ड्रॉप करके चलना, ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो ये आपका फिक्स प्लेयर और ट्रंप प्लेयर है जिसको यूज करके इस मैच में रियली में सच में मेगा लीग विनिंग कर सकते हो, एक बार अजमा करके देखो। आगे सिंपली बात करते हैं बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में, चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। तो सबसे पहले देखो यहां पर जो आपका रविंद्र जडेजा और ग्लेन मैक्सवेल,
ये दोनों आज के मैच में ना सबसे बेस्ट और सबसे सेफ ऑप्शन बनेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन का, दोनों को ट्राई करना। और लगभग सभी लोग इन दोनों को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके चलेगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको सेफ जाना है तो। बाकी बात विराट कोहली को डिफरेंशियल पिक के तौर पर ट्राई करना और लगभग लोग इसको कैप्टन बनाएगा इस मैच में। फाफ डुप्लेसी आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकता है सी एंड बीसी में, मेगा लीग में खास करके ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। उसके साथ साथ मेगा लीग का जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल पिक बनेगा ना वो आपका रहेगा रचिन रविंद्र, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन है। बाकी बात महेश थिक्सना को ट्राई करना, जैसा मैंने पीछे इसका रिकॉर्ड भी बता दिया है और आपको पता भी चल गया होगा। शिवम दुबे को भी ट्राई कर सकते हो। तो यही है इस मैच का सबसे बेहतरीन कैप्टन और वाइस कैप्टन, इस पर फोकस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी मेरा पर्सनल फाइनल टीम होगा, चाहे वो स्मॉल लीग का टीम हो या ग्रैंड लीग का टीम हो विथ कैप्टन और वाइस कैप्टन, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कैसे ज्वाइन करना है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस आईपीएल में हर एक मैच का जो वीडियो होगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।